नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में सिसोदिया ने संभाली विधानसभा चुनाव की कमान, आज पार्टी नेताओं संग करेंगे बैठक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की प्रतिक्रिया, आरोपों को किया खारिज। दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार आतंकी रिजवान से पूछताछ करेगी यूपी एटीएस। ईरान सरकार ने हैक की मेरी वेबसाइट, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल हाईवे से टूटा संपर्क, सैकड़ों सड़क बंद, ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में 47 आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर लिस्ट में कई जिलों के कलेक्टर और एसपी। दिल्ली में कोटला बिहार फेज 2 में क्रिकेट ग्राउंड पर करंट लगने से 13 साल के लड़के की मौत। बांग्लादेश में गोपालगंज इलाके में सेना पर हमला, 5 से ज्यादा सैन्यकर्मी घायल। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ तेज किया अभियान। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के भय चिंता के माहौल में सुरक्षा और न्याय की अपील, क्रिकेट बोर्ड ने सेना से मांगी मदद। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।